आज हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक कंडक्टर के साथ आउटडोर का कनेक्शन करना। देखिए मैग्नेटिक कंडक्टर क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इसका जो रिले होता है ना, रिले ये थोड़ा सा छोटा होता है, और एसी हमारी अगर बड़ी होती है, डेढ़ टन दो टन मतलब दो टन ज़्यादा होता है, या दो टन में भी कभी कभार डेढ़ टन भी ये लगाता है, तो क्या होता है ना कि जो रिले सप्लाई इसको देता है और उस छोटे से रिले से होकर के सप्लाई आती है और पूरे आउटडोर को चलाती है, जहाँ पे एम्पियर काफ़ी ज़्यादा होता है और उस रिले ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या कर दिया कंपनी ने, उस रिले को जो दे रहा सप्लाई रिले, वो पूरे आउटडोर को नहीं चलाएगा, वो बस इस मैग्नेटिक कंडक्टर के छोटे से क्वाइल को चलाएगा। देख सकते हैं आप, ये मैग्नेटिक कंडक्टर हमारा है और ये छोटा सा क्वाइल है, तो रिले जो पूरे एसी को चला रहा था बार बार ख़राब हो रहा था, तो अब वो क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक कंडक्टर के सिर्फ क्वाइल को चला रहा है। जब ये क्वाइल को चलाएगा तो उस पर कोई लोड ही नहीं है, और उसके बाद क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट सप्लाई, एक और वहाँ से केबल आता है, डायरेक्ट सप्लाई आती है, जो कि जैसे इंडोर को मिलती सप्लाई, तुरंत आउटडोर को भी सप्लाई आ जाती है, वो जो सप्लाई आएगी सीधा यहाँ पे लग जाती है और ये रुकी रहती है। 3 मिनट के बाद जब वो सप्लाई यहाँ पे देता है, 3 मिनट के बाद जब वो इंडोर का जो पीसीबी सप्लाई देता है यहाँ पे क्वाइल पे, तुरंत ये सप्लाई आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है और इस वजह से इसको लगाया जाता है। दूसरा, ये अगर लगाते हैं तो इसमें फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी वजह से लाइट तेज आ जाती है तो ये जो क्वाइल है ना, ये ख़राब हो जाएगा और जो सप्लाई अंदर जाने वाली है यहीं पर रुक जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, जिससे कि इसके आउटडोर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट लगाए गए हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट खराब होने से बच जाएंगे। 2 रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न वही है कि जो रिले है वो इसके पूरे आउटडोर के लोड को नहीं सह पाता है, तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर लगाया जाता है। कनेक्शन कैसे करना ये समझिए। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जैसे कि एक तार आ रहा था ना, एक केबल से पहले आ रहा था जो कि इस आउटडोर को चला रहा था, लेकिन अब इनडोर में एक तार तो जाएगी सप्लाई की, लेकिन आउटडोर के लिए 2 तार देगा। 2 तार में कौन कौन से तार रहेंगे, एक मोटा तार रहेगा और एक पतला तार रहेगा। जो पतला तार है वो 3 मिनट के बाद उसके जरिए सप्लाई आती है, जो कि रिले से होकर के आती है, और जो मोटा केबल होता है ना उसमें डायरेक्ट सप्लाई, मतलब जैसे ही इंडोर में सप्लाई जाती है तुरंत वो ये आउटडोर को भी दे देता है। लेकिन ये आउटडोर को सप्लाई तो मिलती है, लेकिन मैग्नेटिक कंडक्टर सप्लाई को आगे नहीं बढ़ने देता है, जिससे कि आउटडोर बंद रहता है, और जैसे ही 3 मिनट के बाद सप्लाई वो देता है रिले इसको, क्वाइल को, तो ये रिले चालू होता है, मतलब कि क्वाइल चालू होता है, और क्वाइल चालू होने होते ही इसके अंदर जो पत्ती लगी हुई है ये सट जाती है, और ये जो फेज रुका हुआ था सप्लाई न्यूट्रल फेज, ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये 3 मिनट के बाद सप्लाई आ रही है, इस सप्लाई को हम जोड़ देंगे सीधा इसके क्वाइल पे, इसके क्वाइल पे। देखिए ये क्वाइल है, इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये 3 मिनट के बाद वाली सप्लाई, मतलब कि पतला वाला केबल, पतला केबल ये है, और पतले केबल को यहाँ पे लगा दिया जाएगा। अब उसी इंडोर से एक केबल और आया रहेगा जो कि मोटा केबल रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिलहाल ये जो एसी है ये मैग्नेटिक कंडक्टर वाली नहीं है, ये सादी एसी है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो केबल है ये मान लीजिए मोटा केबल, और ये जो इंडोर से निकल करके आया हुआ है एक और, तो ये हमारा पतला केबल, ब्लैक वाला पतला है और वाइट वाला मोटा है, ये समझिए। तो ये मोटा केबल जो हमारा आया है ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जो इसका पोल है ना, एक पोल और 2 पोल, इन दोनों पे इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, बस इतना काम करना है। मतलब मोटे वाले तार को यहाँ कनेक्ट करना है और जो पतला तार रहेगा उसको क्वाइल पे कनेक्ट करना है, बस इतना ही करना है, हो गया कनेक्शन। अब जो दूसरा पॉइंट इधर है आगे के साइड, इधर देखिए सामने के साइड, इधर जो ये दूसरा पॉइंट है एक न्यूट्रल और फेज का, यहाँ से सप्लाई आउट करनी है और अपने पूरे आउटडोर का कनेक्शन कर देना, जिस तरीके से नॉर्मली कनेक्शन किया जाता है, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, ये जो तार मोटा तार कहाँ से आता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये जो हमारा तार है ना, ये जो हमारा प्लग है, ये प्लग इस इंडोर के लिए है, जिससे कि इसको लगाया जाएगा और इंडोर चालू हो जाएगा। तो इससे जो न्यूट्रल फेज होकर के जाएगा ना, ये जा कर के जहाँ पर जुड़ा है पीसीबी में, वहीं से 1-2 तार लेगा, मतलब 2 तार वहाँ से लेगा, मोटा तार वाला जो ये तार है ये ले आकर के वहीं पे जोड़ देगा। मतलब ये तार जहाँ जा कर के पीसीबी में जुड़ा है, वहीं पे जो मोटा तार वहाँ से वापस लेकर के यहाँ पे आता ना, ये इसका जो सिरा होता है ये वहीं पे जुड़ा होता है, तो वहीं पे जुड़ा होता है। तो हम अगर चाहें तो जो यहाँ पे जहाँ पे प्लग लगा रहे हैं यहीं पे जोड़ दें,
तब भी सप्लाई हमारी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी। और अगर हम इसको लगा दें प्लग, और प्लग जहाँ जाकर किसका तार इंड हो रहा है वहाँ पे जोड़ें तब भी सप्लाई आएगी। तो यहाँ पे दिखाना और समझाना मकसद है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई इसको दे देंगे इंडोर को, और आउटडोर को भी डायरेक्टली सप्लाई दे देंगे, जिससे कि यहाँ पे भी सप्लाई आ जाएगी और वहाँ पे भी सप्लाई चल जाएगी। लेकिन ये चलेगा नहीं जब 3 मिनट के बाद सप्लाई वो देगा पतले तार के जरिए से इसको, तब जाके ऑन होगा कंटेक्टर और फिर सप्लाई आगे बढ़ेगी, फिर आउटडोर चलेगा। तो यही काम हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे हम। और आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है हमारा छोटा वाला, इससे हमें चलाना है छोटे मतलब फ़ैन को, तो इसको हम रनिंग और स्टार्टिंग को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग का है तार और ये रनिंग का है, तो हम रनिंग स्टार्टिंग यहाँ पे कैपेसिटर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कोई किधर भी लगा सकते, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और फिर उसके बाद देखिए ये निकल गया, थोड़ा सा ढीला है, ये यहाँ पे जोड़ देंगे सीधा सीधा। और उसके बाद जो हमारा कंप्रेसर का रनिंग और स्टार्टिंग है, इस रनिंग स्टार्टिंग को हम फैन पे जोड़ देंगे। ये हमारा स्टार्टिंग का टर्मिनल यहाँ जोड़ देते हैं, और ये हमारा किसी भी साइड जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोनों टर्मिनल से, एक टर्मिनल ये और एक ये हम जोड़ देंगे, ये कामन हो गया। तो रनिंग स्टार्टिंग कैप्सूल में जोड़ने के बाद कामन को लेना है, ये पंखे का कामन है और ये कंप्रेसर का, दोनों को आपस में जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद अब यहीं पे न्यूट्रल की जो हमारी सप्लाई है इसे दे देना है। तो न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ से लेना है, अब ये भी ध्यान रहे यहाँ से लेना है, क्योंकि ये सारा कनेक्शन यहाँ पे हुआ है, लेकिन आउट यहाँ से करा के तब पूरे आउटडोर की वायरिंग करना है, तभी जब ये ख़राब होगा ये चालू होगा तब यहाँ से ये ऑन करेगा और ऑफ करेगा। तो यहाँ से हम आउट करा करके सीधा यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़ने के लिए थिम्बल का प्रयोग करेंगे, तो इसको जो न्यूट्रल देना है ना हमें यहाँ से, तो ये आउट करा करके न्यूट्रल यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग थिम्बल लगा के भी यहाँ पे खोज सकते हैं, फिलहाल अगर चलाना हो हमेशा के लिए तो ये थिम्बल ही लगा के सही तरीके से जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बस इसको चलाना ये है कि मतलब किस तरीके से कनेक्शन होता है ये जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास तार है, इसी तार को यहाँ पर जोड़ देंगे और इसको हम वहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये थिम्बल को इसमें जोड़ देते हैं पहले अच्छी तरीके से, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, इसमें थिम्बल लगा हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ देंगे। मतलब जो न्यूट्रल फेस यहाँ पे रुका है, यही न्यूट्रल फेस क्या होगा कि 3 मिनट के बाद जैसे ही ये ऑन होगा कॉयल, तुरंत ये सप्लाई आगे बढ़ जाएगी और आउटडोर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल मिल चुका है, ये काम हो चुका है। बाकी अब आगे क्या करना है, फेज को देना है। तो फेज देना है, तो फेज देने के लिए ये देखिए हमारे पास वायर है और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। फेस यहाँ से निकालेंगे, सीधा इसके रनिंग वाले पे देना है ना, इसके रनिंग वाले पे मतलब कि कंप्रेसर के रनिंग वाले तार पे और फायर मोटर के रनिंग वाले तार पे देना है। तो हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब फिर इसके भी रनिंग वाले पे देना है, तो फिर यहाँ पे एक और थिम्बल लगाएंगे, सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसको। अब यहाँ पर अरे यार कर दे, चलो ठीक है, स्टार्ट। और फिर ये देखिए हमारा जो थिम्बल है इसको हम लोग यहीं पे लगाएंगे, मतलब यहाँ से फेस ले जाना है ना। देखिए फेस यहाँ पे आया है, तो यहीं से उठा के फेस हम इसको दे सकते हैं, अगर हम चाहें तो डायरेक्टली भी दे दें। चलिए हम लोग डायरेक्टली दे देते हैं, तो आपको आसानी होगा थोड़ा समझने में। तो इस वाले को मतलब कंप्रेसर के रनिंग वाले को हमने यहाँ से फेज दे दिया, और यहीं से हम दूसरे वाले पॉइंट्स आउट करा के, वही है फेज ही है याद रहे, आउट करा के हम किसको दे देंगे, फ़ैन को भी दे देंगे। तो फ़ैन के किधर देना, रनिंग वाले पे देना, याद रहे हमेशा रनिंग वाले पे ही सबको देते हैं फेज की सप्लाई। तो यहाँ से देखिए फेज उठा, इसको भी दे दिए रनिंग वाले पे फैन के, और जो कंप्रेसर इसका रनिंग वाला जो है इसको भी यहीं से फेज उठा करके दे दिए, और न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ से दूसरे पॉइंट उठा के दे दिए। अब यहाँ पे काम क्या होगा, जैसे ही एसी को ऑन किया जाएगा इनडोर को, इनडोर भी चालू हो जाएगा और तुरंत वहीं से सप्लाई आउटडोर पे भी यहाँ पे कॉइल पे आकर रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, रुकी रहेगी। और जब 3 मिनट के बाद जो वायर हमारा सीपी वायर है वो सप्लाई यहाँ पे देगा 3 मिनट के बाद इंडोर अगर, तो यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई यहाँ कॉयल पे आएगी और कॉयल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और तुरंत ये जो पत्ती ऊपर है ये सड़ जाएगी आपस में, और जो सप्लाई यहाँ रुकी थी ये सप्लाई आगे बढ़ जाएगी इंडोर के अंदर आ जाएगी, जिससे कि इंडोर के सारे पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे और चलना शुरू कर देंगे।
तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि जो पीसीबी है इंडोर की उस पर लोड नहीं पड़ रहा है। लोड किस पे पड़ रहा है? सारा लोड पड़ रहा है हमारे इस मैग्नेटिक कंटेक्टर पे, तो जल्दी वो रिले ख़राब नहीं होगा जो इसको सप्लाई दे रहा है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं अपने एसी को। स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई लग चुकी है और इंडोर हमारा अभी फ़िलहाल चालू नहीं हुआ है। हाँ, अब इंडोर हमारा चालू हो चुका है। देखिए यहाँ पे इंडोर हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखिए इंडोर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सप्लाई भी आ चुकी है। आउटडोर के लिए सप्लाई भी आ चुकी है लेकिन अभी सप्लाई स्टैंड है। ये आगे कब बढ़ेगी? जब वो कहेगा इंडोर 3 मिनट के बाद इसको ऑन करेगा तब जा करके ये सप्लाई जो रुकी ये आगे बढ़ेगी। तो सप्लाई मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मीटर है और यहाँ पे 220 वोल्टेज पे हमने सेट कर दिया इसको और यहाँ पे आप देखिएगा सप्लाई आउटडोर के लिए आ चुकी है। देखिए यहाँ पे 220 वोल्टेज आ चुका है, 220 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अभी भी ये चालू नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आगे सप्लाई नहीं जा रही है। देखिए जो सप्लाई है ना यहाँ पे नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे बता रहा है, नहीं बता रहा है, यहाँ पे नहीं बता रहा है। ये क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि अंदर से ये देख रहा है कटअप का सिस्टम लगा है। ये कटअप का सिस्टम कब जुड़ेगा? जब यहाँ पे 220 वोल्टेज आ जाएगा तब। अभी यहाँ पे देखिए पीसीबी सप्लाई नहीं दी हुई है इसलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं बता रहा है। जैसे सप्लाई यहाँ पे देगी तुरंत ये कंडक्टर ऑन होगा, जो सप्लाई रुकी है ये आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ना इसका कनेक्शन किया जाता है और आपको समझ में भी ये आ गया होगा कि क्यों मैग्नेटिक कंडक्टर आखिरकार लगाया जाता है। और यहाँ पे अभी हमारा एसी जो है आउटडोर भी स्टार्ट होने वाला है। इंडोर स्टार्ट हो चुका है, आउटडोर भी अभी स्टार्ट ही हो जाएगा। और यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ये जो सप्लाई कंपनी अंदर से जोड़ के देती है वो हम लोग बाहर ही लगा दिए हैं। ये सप्लाई जो मैग्नेटिक कंडक्टर डायरेक्ट आ रही मोटे केबल से, वो सप्लाई ये जो हमारा प्लग यहाँ से जो तार जा रहा है जहाँ पर जाके जुड़ा रहेगा वहीं पर ये तार जुड़ा होता है। चाहे उस एंड पे जुड़े चाहे इस एंड पे जुड़े, दोनों बात एक ही है। लेकिन कंपनी अंदर से ही जोड़ करके यहाँ पे आउट कराती है और फिर यहाँ पे कनेक्शन देती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बस जुगाड़ ये इसलिए लगाए हैं बस आपको समझाने के लिए। वैसे भी ये हमारी एसी मैग्नेटिक कंडक्टर वाली एसी नहीं है, लेकिन अगर हम लगाना भी चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन जब कंपनी ने नहीं लगाया तो फिर हमें लगाने की ज़रूरत है। तभी ये स्टार्ट होगा 3 मिनट के बाद, जैसे यहाँ पे सप्लाई आएगी तुरंत हमारा आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे स्टार्ट होता है फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से खट की आवाज़ आई और हमारा जो आउटडोर है ये स्टार्ट हो चुका है। फैन मोटर भी सही तरीके से चल रहा है, कंप्रेसर भी सही तरीके से चल रहा है और यहाँ पे जो कनेक्शन था ये पूरी तरीके से करेक्ट हो चुका है, एकदम सही हो चुका है और पूरी एसी हमारी सही तरीके से काम कर रही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरीके से ये मैग्नेटिक कंडक्टर काम कर रहा है। इनडोर से जो हमारा आता है ये दो तार आता है, एक पतला तार और एक मोटा तार। जो पतला तार रहेगा इसको सीधा हम लोग लगा देंगे इसके क्वाइल पे, जो कि यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट उधर है। जो क्वाइल है इसमें तार की बाइंडिंग होती है, जो ट्रांसफार्मर छोटा सा होता है इस पर लगा देंगे। और जो मोटा तार रहेगा उसको डायरेक्टली हम लगा देंगे इसके पोल पे, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक लगा दें न्यूट्रल और उस साइड लगा दिए फेज, चाहे इस साइड फेज उस साइड न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो मोटा तार आया हुआ है एक, उसको हम यहाँ पे पोल पे लगा दिए, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगले वाला जो इसका सामने वाला पोल है ये वाला, तो यहाँ से हम सप्लाई को आउट करके मतलब कि न्यूट्रल को उठा लेंगे और फेज को उठा लेंगे और उसी न्यूट्रल फेज से पूरे आउटडोर का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे जब उसी फेज से पूरे हुए न्यूट्रल से हम पूरे आउटडोर कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एसी जैसे ही चालू किया जाएगा तो इनडोर भी चालू हो जाएगा और आउटडोर के लिए भी फेज की सप्लाई और न्यूट्रल की सप्लाई मोटे केबल के जरिए से आ जाएगी। लेकिन ये आ करके यहीं पे रुकी रहेगी, यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे कब आएगी? जब 3 मिनट के बाद पीसीबी सप्लाई पतले तार मतलब पतले केबल के जरिए से इस क्वाइल को देगा, ये क्वाइल ऑन होगा जिससे कि मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो जाएगा, जो पत्ती ऊपर थी वो सट जाएगी और जो सप्लाई यहाँ पर न्यूट्रल फेज की रुकी हुई है ये डायरेक्टली आगे बढ़ जाएगी इस पत्ती के सटने की वजह से। और आगे जैसे ही बढ़ेगी तो यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगी और यहाँ से सीधा चली जाएगी हमारे कंप्रेसर और फैन मोटर को, जिससे कि हमारा ये कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों काम करना
स्टार्ट कर देंगे, और किसी वजह से अगर लाइट तेज आ जाती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये जो छोटा सा क्वायल है ना, मतलब कि जो मैग्नेटिक कंडक्टर क्वायल है, कि पतले तार से बाइंडिंग किया गया होता है, तो ये जो क्वायल है, ये क्वायल जल जाएगा, जिससे कि दोबारा से ये पत्ती ऊपर उठ जाएगी और जो सप्लाई यहाँ पर रुकी रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिससे कि आउटडोर बंद हो जाएगा और ये ख़राब होने से बच जाएगा। और यहाँ पे फ़ायदा एक ये है कि जो सप्लाई हमारा रिले दे रहा है, ये बस छोटे से क्वायल को चला रहा है, जिससे कि रिले पे कोई भी लोड नहीं पड़ रहा है, जबकि ये जो हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर, जिससे ये ऑन हो रहा है, तो सारा लोड मैग्नेटिक कंडक्टर पे पड़ रहा है, मतलब कि इसकी जो पत्ती अंदर लगी है इस पर पड़ रही है, जब पत्ती सट रही है तो सप्लाई रुकी हुई है, ये आगे बढ़ जा रही है। तो इस तरीके से ये हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर कार्य करता है, और इस तरीके से हम लोग इस मैग्नेटिक कंडक्टर का कनेक्शन करते हैं अपने आउटडोर में जब लगता है। तो ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा।